दिल्ली में इस वक्त पानी का फ्लो धीमा है, लेकिन पानी को लेकर पॉलिटिक्स फुल फ्लो में चल रही है। केजरीवाल सरकार में जल मंत्री आदर्शी अनशन पर बैठी है और बीजेपी उनके अनशन पर सवाल उठा रही है, लेकिन पानी की किल्लत को लेकर सबसे बड़ा दावा केजरीवाल सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब से आतिशी अनशन पर बैठी हैं, तब से हरियाणा ने पानी छोड़ना और कम कर दिया। दिल्ली में इस वक्त कितना पानी है, कितने पानी की कमी है और कितने पानी की जरूरत है, पूरा हिसाब किताब इस रिपोर्ट से समझिए। जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा, ये पानी का सत्याग्रह चलता रहेगा। आतिशी जी को क्या सूझा है, सरकार के खिलाफ ही सरकार की मंत्री बैठ गई धरने पे। पर लगातार वो अनशन नहीं, एक राजनीतिक नौटंकी है, राजनीतिक ड्रामेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार जानबूझ के दिल्ली के हिस्से के पानी को रोक रही है। अगर नियत ठीक हो तो 15 दिन में पानी का संकट खत्म किया जा सकता है, सिर्फ आपको चोरी रोकनी है। क्या हरियाणा ने हथिनी कुंड बैराज का गेट बंद कर दिया है? क्या दिल्ली को जानबूझकर पानी के लिए तरसाया जा रहा है? दिल्ली में पानी की किल्लत का असली कैलकुलेशन क्या है, ये समझना दिल्ली वालों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। लेकिन सॉल्यूशन खोजने के बजाय अनशन, आरोप और ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स जारी है। पानी पर पॉलिटिक्स के इस वक्त दो सेंटर नजर आ रहे हैं, आतिशी का अनशन स्थल और दिल्ली का राजनिवास। पहले आतिशी के अनशन की बात करते हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की जल मंत्री आतिशी 3 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी है। आतिशी का इल्जाम साफ है, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, इसलिए दिल्ली प्यासी है। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से देते। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनी कुंड बराज गए, जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फोटो ली, वीडियो दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है, उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनी कुंड बराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। आतिशी इस वक्त दिल्ली के भोगल इलाके में अनशन पर बैठी है, पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भोगल के लोगों को ही आतिशी के धरने का मतलब समझ नहीं आ रहा। आतिशी अनशन करने कब आती है, कितना देर रुकती है, कब चली जाती है, सब पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दो तस्वीर देखिए, दोनों आज की हैं। एक तब की है जब आतिशी का अनशन स्थल खाली था, वहां कोई नहीं था। दूसरी तस्वीर तब की है जब आतिशी वहां पहुंच गई और उनके साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और दूसरे तमाम नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए। अनशन में बैठी है तो पानी का समस्या कैसे हल होगी? अरे यहाँ बैठा कौन है, कौन भी नहीं बैठा हुआ। ये तो अब रास्ता बंद करके हम पब्लिक को परेशान कर रखा है। 1 घंटे के लिए आती है, एसी चल रहे हैं, बैठ के चली जाती है, शाम को फिर 1 घंटे के लिए आएगी और चल देगी। आप लगातार देख रहे हैं कि कुछ समय? बिल्कुल कुछ नहीं, 1 घंटे के लिए आती है सुबह और शाम, 1-1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं आती है। ये सुबह आए, शाम को आए, शिफ्ट में काम हो रहा है और बाकी अपना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अनशन में तो ये होता है कि लाइव सबके सामने बैठे रहो, दिखता चाहिए कि भाई अनशन में बैठी हुई है, मतलब चेहरे से, सकल से, शरीर से पता चलना चाहिए अनशन कर रखा है, भूखी प्यासी है, सब कुछ है। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ लोगों को दिख नहीं रहा। हम कहते हैं अनशन करो, लेकिन जो जाहिर चीज पे तो करो। जब यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ क्यों, जिस जगह पानी नहीं आ रहा वहाँ करो, सादरा करो, नांगलोई करो, आउटर दिल्ली में करो, वहाँ पानी नहीं आ रहा ना, गंदा पानी वहाँ पी रहे हैं लोग। देखो यहाँ तो कोई पानी की कमी है नहीं, यहाँ तो पानी आ रहा है, यहाँ फायदा थोड़ा ना अनशन करने का। जहाँ पानी नहीं है वहाँ जाकर अनशन करो ना।
ये लो। जिनके घरों का आगे एसी लग रहे हैं उनको टिकना कितना मुश्किल हो रहा है इतनी गर्मी में। कितने एसी लगे हैं, कितने एसी लगे हुए। दूसरे की परेशानी सोचो ना, आप तो 10 दिन के लिए बैठ गए। धरना तो बहुत है, एक दफा आदमी बैठ गया, बैठा रहे एक जगह पे, ये नहीं कि इधर में घूमते रहो, धरना का आएगा वो। आप भी समझदार हो, धरना किसको कहते हैं? एक दफा आदमी बैठ गया, जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी उठेगा नहीं वो वहां से। अब यहाँ कौन है आपके सामने? जो बात यहाँ के लोकल लोगों ने बताई वो बीजेपी तक भी आई। बस फिर क्या था, बीजेपी को मौका मिल गया। अब बीजेपी से एयर कंडीशनड अनशन बता रही है, ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही है। ये कैसी अजीबोगरीब भूख हड़ताल है जिसमें सत्याग्रही 2 घंटे सिर्फ मीडिया के सामने फोटो खिंचाने आता है और उसके बाद गायब हो जाता है। एयर कंडीशन सत्याग्रह है, हमने कुछ वीडियोस देखे हैं कि वहाँ बिजली कंपनी ने 4-4 टन के बकायदा वहाँ कुछ लगाए हैं सिस्टम, जिससे उनको असुविधा ना हो वहाँ बैठने वाले लोगों को। और इस तरह की राजनीतिक नौटंकी करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ आतिशी नहीं बना सकती। दिल्ली के मंत्री होने के नाते उनका फर्ज था कि इस समय जाके इस पानी की समस्या को दूर करने के प्रयास करते। दिल्ली में पानी की पॉलिटिक्स का दूसरा फोकस एलजी हाउस पर शिफ्ट हो चुका है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जितनी बार हरियाणा की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए उतनी बार एलजी साहब भी निशाने पर आए, लेकिन इस बार आम आदमी के लोगों के तेवर बदले हुए हैं। केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की और कहा कि सिर्फ एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते के लिए पानी का इंतजाम करवा दीजिए। हमने एलजी साहब से निवेदन किया कि आप हरियाणा से बातचीत कीजिए। हरियाणा अभी भी करीब 113 एमजीडी पानी दिल्ली में कम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, हमने एलजी साहब से ये कहा कि अब तो एक हफ्ते में बारिश आने वाली है ना, 28 तारीख को बारिश आ जाएगी। अभी शिमला हिमाचल में बारिश होने लगी है, तो एक हफ्ते बाद तो इतना पानी आ जाएगा कि हरियाणा चाह के भी नहीं छोड़ पाएगा, चाह के भी रोक नहीं पाएगा, माफ कीजिएगा। तो इस एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते के लिए हमने उनको निवेदन किया है कि इस एक हफ्ते को आप पानी दिलवा दीजिए। सौरभ भारद्वाज ने एलजी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, बार बार कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई। यही बात आतिशी के अनशन वाले मंच से संजय सिंह ने कही, लेकिन बीजेपी पर जोरदार अटैक किया। एलजी महोदय ने हम सबको आश्वस्त किया है कि वो हरियाणा से पानी दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और दिल्ली के हक का पानी मिलना चाहिए हमको। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई तकनीक है तो हमारी मदद कीजिए। क्या आप पानी बना सकते हैं? अगर एक निर्धारित मात्रा में हमको पानी मिलना चाहिए और आपकी बीजेपी की हरियाणा सरकार हमको पानी नहीं दे रही है, जहां पे मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, यानी मोदी भी वहां पे काम देखेगा, नायब सिंह सैनी भी वहां पे काम देखेंगे, दिल्ली में 7 सांसद बीजेपी के हैं, आप मुझे बताइए अगर आप 100 एमजीडी, 113 एमजीडी, 117 एमजीडी पानी कम दे रहे हैं तो पानी आप कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कहां से पैदा कर देंगे? दिल्ली में पानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से आता है, लेकिन दिल्ली की जरूरत का सबसे ज्यादा पानी हरियाणा से आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में हरियाणा से लगातार कम पानी आ रहा है, करीब 100 एमजीडी पानी की सप्लाई हरियाणा से कम हो रही है, इसलिए दिल्ली में पानी की किल्लत बनी हुई है। हरियाणा लगातार पानी कम कर रहा है, इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अभी तक जब आतिशी अनशन पे बैठी उस दौरान तक तो 100 एमजीडी की कमी पानी की प्रोडक्शन के अंदर थी, मगर उनके अनशन को के बैठने के बाद करीब 17 एमजीडी पानी और हरियाणा ने कम कर दिया। ये मैं आपको 21 जून के डाटा के हिसाब से बता रहा हूं। आप ये कह सकते हैं कि पहले 100 एमजीडी कम पानी हरियाणा दे रहा था, तो 21 तारीख को जो डेटा हमारे पास आया 117 एमजीडी पानी हरियाणा कम दे रहा, यानी कि
17 एमजीडी और पानी की कमी हरियाणा की तरफ से की गई है। दिल्ली में कितना पानी कहां से आता है, कितना कम आता है, अब उसका डेटा देखिए। एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में हर दिन 1005 एमजीडी पानी यानी 1005 मिलियन गैलन पर डे पानी का प्रोडक्शन होता है। इसमें से 60% पानी यानी करीब 613 एमजीडी पानी हरियाणा से आता है। हरियाणा से आने वाले 613 एमजीडी पानी में 548 एमजीडी पानी मुनक नहर से आता है और 65 एमजीडी पानी वजीराबाद बैराज के जरिए आता है। 25% पानी यूपी से मिलता है और सिर्फ 15% पानी की जरूरत ग्राउंड वाटर के जरिए पूरी होती है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का कहना है कि 1 जून से अभी तक हरियाणा से पानी की सप्लाई लगातार कम होती गई है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 एमजीडी है, जिसमें से 613 एमजीडी यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है, वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे, वो सिर्फ 513 एमजीडी यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं। 1 एमजीडी पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। अब जरा हिसाब समझिए, दिल्ली को 1 एमजीडी पानी मिलता है तो 28,500 लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। अगर दिल्ली सरकार के दावे के मुताबिक 100 एमजीडी पानी की कमी हुई तो उसका मतलब है कि 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिलेगा। लेकिन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि ये सब बहानेबाजी है। दिल्ली में पानी की किल्लत की असली वजह है पानी की बर्बादी और काला बाजारी। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये चेहरे अलग अलग हैं लेकिन नीयत तो सबकी एक ही है कि कैसे झूठ बोलना और कैसे दिल्ली को लूटना। हरियाणा सरकार अपने दस्तावेज दिखा चुकी है, हरियाणा सरकार के दिल्ली सरकार के अधिकारी बैठ गए, उन्होंने भी चेक कर लिया कि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है। रोज़ उनका बुलेटिन आ जाता है कि हम पानी सरप्लस दे रहे हैं, उसके बावजूद दिल्ली में पानी आने के बाद जो चोरी होता है, पानी गायब हो जाता है, टैंकर माफिया लूट के ले जाता है, उस पर ये कुछ नहीं बोलते। बार बार हरियाणा, हिमाचल और पंजाब से पानी क्यों नहीं मांगते, पंजाब में इनकी सरकार है, एक शब्द नहीं बोलेंगे। दिल्ली बीजेपी का कहना है कि पानी की किल्लत का हल निकालने की बजाय आम आदमी पार्टी के लोग अनशन कर रहे हैं, उन्हें पानी की बर्बादी रोकने का तरीका खोजना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि पानी की लीकेज रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने 500 करोड़ खर्च किए, पिछले 8 साल में 3,500 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइन को बदला, 7,500 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई, पानी की बर्बादी को 30% से घटाकर 5% किया। 30 साल पहले जितना पानी दिल्ली को मिलता था, यानी कि लगभग 1.25 करोड़ की आबादी में जितना पानी मिलता था, 3.25 करोड़ की आबादी में भी उतना पानी मिल रहा है। अब बताइए, आप हमारी आलोचना करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि 12,000 किलोमीटर दिल्ली के अंदर पाइपलाइन बिछाई गई, नई पाइपलाइन, 12,000 किलोमीटर पाइपलाइन, अनाधिकृत कॉलोनियों में नई पाइपलाइन बिछाई गई। 10 साल में हमने कितने प्रयास किए, उसकी एक सराहना कोई नहीं करता, सिर्फ आलोचना, निंदा, आलोचना, निंदा, आलोचना, निंदा। केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली में टैंकर माफिया पर जबरदस्त लगाम लगाया गया है। ज्यादातर टैंकर माफिया यमुना नदी के हरियाणा साइड की तरफ से ऑपरेशनल है, जिस पर दिल्ली जल बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। और रही बात टैंकर से पानी सप्लाई की, तो केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दिल्ली की जरूरत का सिर्फ 0.5% पानी टैंकर से सप्लाई होता है। लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां करती है, जहां भी पानी का टैंकर पहुंचता है लोग पानी के लिए टूट पड़ते हैं। जब इनसे नहीं चलता है तो सरेंडर कर दो, आप सरेंडर करिए, 15 दिन के अंदर टैंकर माफियाओं पे चोट लगेगी और पानी जिसका है उसके हक में जाने लगेगा। अब दिल्ली की जनता
को आप अगर ना समझ समझते हैं आतिशी जी या आम आदमी पार्टी के लोग, तो अब दिल्ली की जनता इस भ्रम में आने वाली नहीं है, क्योंकि पहले आप दोष इसलिए मर दिया करते क्योंकि एमसीडी बीजेपी के पास थी, आपको जितना दोष लगाना होता था लगा देते थे। अभी एमसीडी भी आपके पास, दिल्ली सरकार भी आपके पास, जल बोर्ड भी आपके पास, डीटीसी भी आपके पास, फ्लड भी आपके पास, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चाहे आप अनशन में बैठो या जमीन में धस जाओ, अब दिल्ली की जनता आपको 5 महीने में परमानेंट जमीन पर बैठा दे। ये बात सही है कि जून की इस प्रचंड गर्मी में दिल्ली के कई इलाके प्यासे हैं। लोग पानी के लिए सुबह से टैंकर के इंतजार में लाइन लगा लेते हैं। घंटों खड़े रहने के बाद 2-4 बाल्टी पानी मिलता है। लेकिन ये बात भी सच है कि दिल्ली में पानी की बर्बादी अभी भी पूरी तरह नहीं रुकी है। तमाम इलाकों में अभी भी पानी की पाइपलाइन में लीकेज है, जिसे दुरुस्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप छोड़कर दिल्ली वालों की मुसीबत कम की जाए और मानसून आने तक लोगों को टैंकर से ही सही लेकिन वक्त पर पानी पहुंचाया जाए।